कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जो हम लोगों का सेशन चल रहा था वो चल रहा था माउंटेन पे। तो हमने पिछले वीडियो में जो बताया था वो बताया था आपको वेस्टर्न माउंटेन यानी पश्चिमी घाट के बारे में हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वो देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो समझेंगे वो कौन सा समझेंगे, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट जो है, क्योंकि ये एग्जाम के बूथ से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से छोटे मोटे उठाए जाते हैं, इसीलिए ये एग्जाम के बूथ से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट के लिए हमने बता दिया है, अब पूर्वी घाट हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा जो दक्षिण भारत के मध्य भारत का जो माउंटेन आते हैं, जैसे नीलगिरी पर्वत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिनरल्स भी निकाले जाते हैं। वैसे देखेंगे जो साउथ के जितने पहाड़ियां आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से मिनरल्स पाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स काफी निकाले जाते हैं यहाँ से। लेकिन जो नीलगिरी पर्वत है भी काफी अच्छा मतलब है पर्वत। अब नीलगिरी क्यों इसका नाम पड़े, सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे नीलगिरी पर्वत के बारे में। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा, ए ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो हमने इधर का बता दिया था, यानी ए वाला जो पार्ट हम लोगों का था ये हो गया है। अब ए वाला हम लोगों को समझना है पूर्वी घाट। तो यहां पे देखिए लिख देते हैं ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न यानी पूर्वी घाट। ठीक, अब देखिए यहां से कहां तक, कैसे कैसे कहां तक फैला हुआ है। जो पूर्वी घाट है ये उड़ीसा, ये उड़ीसा है, आप जानते ही होंगे ये उड़ीसा है, इसी के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल है। अब देखिए वैसे कितने ऐसे हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि उड़ीसा कहाँ पे है और पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। तो अक्सर हम हर वीडियो में बोलते हैं लगभग कि आपको मैप की जानकारी या नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप नॉलेज कैसे लेंगे मैप का, ला करके पूरा मैप का एक चिपका देंगे, उसको डेली देखेंगे लगभग एक या डेढ़ महीना में पूरे वर्ल्ड का है और इंडिया का मैप आपको बड़े ही आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है पूरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपना शुरू होता है पूर्वी घाट, इधर आ जाता है आपका उड़ीसा और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है, यानी उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है अपना पूर्वी घाट जो है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखेंगे कुछ इसका फैक्ट समझ लेते हैं जो एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आते हैं और पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये उड़ीसा से लगा करके उड़ीसा के जो महानदी है, महानदी की उद्गम जहां से होती है वहां से लगा करके अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, कन्याकुमारी तक आप जानते होंगे कि भारत का सबसे लास्ट छोर जो है वो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर द्वीप की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी द्वीप है अंडमान का, वहां पे है इंदिरा पॉइंट, वो है। ठीक है, यानी उड़ीसा से लगा के तमिलनाडु तक फैला है अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट से कोई भी बड़ी नदियां नहीं निकलती। देखिए ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे समझिए जो पूर्वी घाट है ना यहाँ से कोई बड़ी नदियां नहीं निकलती, छोटी नदियां निकलती हैं। जो बड़ी नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, चाहे जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और तुंगभद्रा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, यानी जो भी बड़ी नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं और पूर्व में आकर करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पूर्वी घाट से बड़ी नदियों का उद्गम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैव विविधता की बहुत ही कमी है। क्यों कमी है, पश्चिमी घाट, मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब जैव विविधता जब बड़ी मात्रा में पाया जाएगा यानी बरसात जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे जैव विविधता ज्यादा पाया जाता है। बरसात ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां पे जानवर भी ज्यादा होंगे, घास फूस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जानवर के लिए जो भोजन होता है वो घास होता है, पेड़ पौधे होता है। तो पश्चिमी घाट पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता है, लेकिन पूर्वी घाट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मौसमी बनती है ना कहीं ना कहीं एक इसको कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है, इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता थोड़ा कम पाई जाती है जो पूर्वी घाट है ना। फिर देखिए जैव विविधता बहुत ही कम है, पहाड़ियों का समूह है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्वी घाट है ये पहाड़ियों का समूह है। इस पूर्वी घाट में कई सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए जो पहाड़ियों का समूह कौन कौन सा है, पंचमलाई पहाड़ी,
ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि पंचमलाई पहाड़ी हो जो है एक किस मतलब घाट पे है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पर्वत पे है, ऐसे पूछता है तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे, पूर्वी घाट पे। ठीक है, सेवराव पहाड़ी, जावड़ी पड़ा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, देखिए पालकुंडा, एक ही बार पूछा होगा पालकुंडा वेलकुंडा दोनों, ये ध्यान रखें। नल्ला माला पहाड़ी, ये सब देख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। नल्ला माला पहाड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए पंचमलाई पहाड़ी जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सेवराव और जावड़ी पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है, यानी पंचमलाई, सेवराय और जावड़ी पहाड़ी पहाड़ जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में देखेंगे यहाँ पे आपका पंचमलाई आ जाएगा, जस्ट इसी के ऊपर जेवरात आ जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा आपका जावड़ी पहाड़। ठीक है, अब आ जाएंगे आप आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नल्ला माला पहाड़ी यहाँ पे आ जाएगा आपका नल्ला माला पहाड़ी, और जस्ट इसी के नीचे आ जाएगा आपका पालकोंडा वेनुकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में है। नल्ला माला पहाड़ी, पालकोंडा वेनुकोंडा, ये भी तीनों पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे अभी जो इधर पूछा जाता है। बाकी यहां पे देखिए, अब इसी पूर्वी घाट पे व्हीलर द्वीप है, ये सुना होगा काफी इंपॉर्टेंट है व्हीलर द्वीप, यही से मिसाइल परीक्षण किया जाता है, जो अब इसका नाम चेंज करके वर्तमान में इसका जो नामकरण रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप बोला जाता है। अब क्यों अब्दुल कलाम द्वीप इसके नाम रखा गया, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको मिसाइल मैन यानी पहला जो अगर मिसाइल परीक्षण हुआ था उन्हीं के देख रेख में ही मिसाइल परीक्षण हुआ था, इसीलिए व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अब जाना जाता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसी पे अच्छा हाँ, ये अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए चेन्नई मरीन बीच एक और इंपॉर्टेंट है, जो चेन्नई की मरीन बीच है ये भारत का सबसे बड़ा बीच है, एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के चेन्नई में है, इसका नाम से ही पड़ा है चेन्नई मरीन बीच, कोरोमंडल तट बोला जाता है इसको। अब इधर का हमने बताया था आपको जो पश्चिमी का कि कोंकण तट या कन्नड़ तट बताया था, यानी इसको कोंकण तट बोला जाता है पश्चिमी को, अब पूर्वी को बोला जाता है आपका कोरोमंडल तट। अच्छा कोरोमंडल तट और कोंकण तट यहाँ पे हमेशा भारत किसी न किसी देश के साथ युद्धाभ्यास करता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया पूरा, यानी इधर लगा करके पूर्वी पूर्वी घाट जो है यहाँ पे देखिए उड़ीसा में बहुत ही फेमस चिल्का झील है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी ये समुद्र का ही पार्ट है, जो बंगाल की खाड़ी है इसी का ही पार्ट है, यहाँ पे झील बना हुआ है काफी बड़ी मात्रा में, चिल्का झील। ठीक है, श्री हरिकोटा देखिए ये आंध्र प्रदेश में है, श्री हरिकोटा जगह है, ये फेमस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता होगा, हाँ कितने लोग ऐसे रहते हैं उनको नहीं पता होगा। श्री हरिकोटा जो है यहां से भारत जो है अपना रॉकेट परीक्षण करता है। ठीक है, ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में है, यहीं से ही पीएसएलवी जितने परीक्षण होते हैं यानी रॉकेट का सारे परीक्षण श्री हरिकोटा से ही परीक्षण भारत करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो पूर्वी घाट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये सब ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो हम लोग मिल देंगे नीलगिरी पर्वत के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस, धन्यवाद।